टू आवर चैनल दासन फैमिली ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं छत से। तो सुबह हमारा पूजा जो है वो हो चुका है, तो अब चलते हैं नीचे और जो भी कपड़ा था वो धो के सुखा लिया है। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं मम्मी आज नाश्ते पे क्या बना रही है, क्योंकि आज मम्मी का डिपार्टमेंट था बनाने का। तो देखते हैं क्या बना रही है मम्मी। तो क्या बना रहे हैं आप नाश्ता में अभी? चावल का छिलका। चावल का छिलका जो मौसी भेजी थी? हाँ। ला के दी थी? हाँ। अच्छा, तो गांव से मौसी ना चावल भेजी थी, मौसी लोग खेती करती है, तो उसी चावल को जब आई थी मौसी तो लेके आई थी चावल, तो उसी को हम लोग कल भिगा दिए थे और उसका अभी छिलका बन रहा है। और यहाँ पे चावल छिलका के साथ बैंगन का भुजिया बन रहा है। और यहाँ पे इतना सारा यहाँ बन के ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो क्या क्या दिए थे इसमें? इसमें खाली गुनगुना सा गरम पानी और नमक, चावल को जो पीस के रखे थे उसमें। और ये लेकिन मम्मी बना पाती है, हमसे नहीं हो पाता है वो। मम्मी जितना पतला पतला कर लेती है, मेरे से नहीं होता कड़ा वो जो। देखिए मम्मी इतना पतला पतला अच्छा से बना लेती है पेपर जैसा, और हम बनाते तो मोटा मोटा बन जाता है। और इसमें तेल भी ज्यादा नहीं लगता है, तो अच्छा है ये खाने के लिए बहुत। तो अभी एक तो मम्मी डालेंगी, तो देखते हैं कैसे डाल रही है। बस मम्मी जो तवा घुमाई, वो तवा हमसे घूमता ही नहीं है, जिसका वजह से वो पतला नहीं होता है। बिना तेल का ही डाले हाँ, और तवा में तेल भी नहीं था, बिना तेल का ही डाले। ऊपर से बस थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस इतना, ज्यादा तेल नहीं लगता है। और ये सबको पसंद आता है, सबसे ज्यादा नानी को पसंद है। लेकिन चाय के साथ सब कोई तो खाएगा ना, इसीलिए भुजिया भी ऑप्शनल में बना दे रहे हैं। सुमित को पसंद है, इसीलिए उसके लिए भुजिया। सुमित को पसंद नहीं है चाय के साथ, बाकी सब चाय के साथ ही खाते हैं। हम ऐसे ही खाते हैं। ऐसे में अच्छा लगता है। हाँ, कड़ा कड़ा अच्छा लगता है। आज हम लोग सोच रहे थे राधा कृष्ण मंदिर जाके वहाँ का दिखाने का ना। तो आज आप लोगों को वहाँ राधा कृष्ण मंदिर का जो है वो दिखाते हैं, कि वहाँ मतलब मूर्ति वगैरह बहुत सुंदर है वहाँ पे। आप अगर चाहे तो आप भुजिया बना सकते हैं, नहीं तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। और ये सॉस के साथ, चाय के साथ, या बिना किसी चीज़ के ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम लोगों का जो बैंगन का भुजिया है वो तैयार है, वो बन चुका है। और सुमित कभी नहाने गए हुए हैं, तो वो आते हैं तो फिर उनको नाश्ता दिया जाएगा। और अभी राधा कृष्ण मंदिर जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाते हैं। आप लोग भी आइए, बैंगन का भुजिया, चावल का छिलका, नाश्ता कर लीजिए। तो मम्मी नाश्ता करने के लिए मम्मी इनविटेशन दे रही है आप लोग सबको। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये जो मंदिर है ना, ये जिनका स्टैचू बना हुआ है उन्हीं का मंदिर है ये। तो चलिए अंदर से देखते हैं मंदिर कैसा है। Thank you.
नाश्ता बन रहा है और यहाँ पे मनसा पूजा का तैयारी चल रहा है। पूरा नानी एकदम एक जन गाना गाएगा, एक जन नाचेगा। तो गाना सुमित गाएगा और नानी नाचेगी। जय जय मनसा जय विषहरी, भादरमासे हमरा सबाय तुम्हार पूजा करी, ओ मा तुम्हार पूजा करी। बोलियो मनसा तुम्ही मदर जगत जननी, बोलियो मनसा तुम्ही मदर जगत जननी। चल सदा कर की वाले दिन भूले तो नाचना गाना सब हो गया, अब नाश्ता करने सुमित बैठ गए। तो कैसा लग रहा है आज? फीका तो अच्छा है दोस्तों, आप लोग भी बना के खाइएगा। हमारा ये आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।